आपको हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज इस नॉलेज फ्रॉग चैनल में कि कानपुर बस स्टेशन में सबसे अच्छी बात यह है, कानपुर बस स्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो कानपुर बस स्टेशन में बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड हो गई है। और यहाँ पर टू वे पुल के बारे में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो है टू वे पुल बहुत अच्छी प्रकार से जो है बनाया गया है और इसका कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी अच्छी प्रकार से किया गया है। और अगर हम बात करते हैं टू वे पुल के बारे में तो यहाँ पे टू वे पुल ऐसा लग रहा है कि 2021 के स्टार्टिंग में जो है ये टू वे पुल बन करके पूरा तैयार हो जाएगा। और ये कहना चाहूँगा यहाँ पे जो बस स्टेशन है, ये बस स्टेशन काफ़ी उनिंदा और बेस्ट बना हुआ है और यहाँ पे हर राज्य की जो है उस तरह से जानकारी मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है हर राज्य की बसें भी मिल जाती हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में कोई भी राज्य हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान, मुंबई, दिल्ली, हर प्रकार की जो है बसें यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं, देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ से ये कानपुर नगर का सबसे बड़ा जो है बस स्टेशन है, इसे छकरकटी बस स्टेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि छकरकटी में पड़ता है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे लमसम 250 से 300 से ज़्यादा बसें आ जाती हैं। और यात्री की बात करें तो यहाँ पे हज़ारों में यात्री दिन भर, अगर हम दिन भर की बात करें तो हज़ारों से ज़्यादा यात्री यहाँ पे सफ़र करते हैं एक बसों के द्वारा। और कि UPSARTC की जो है गवर्नमेंट सर्विस है, यानी कि ये जो सर्विस है ये गवर्नमेंट सर्विस है और काफ़ी अच्छी उनिंदा और बेस्ट सर्विस है। पहले टू वे पुल का कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था तो, लेकिन अब जो है टू वे पुल का भी कंस्ट्रक्शन हो चुका है। और जो भीड़ लगती थी, मतलब जाते और आते वक्त जो है जो भीड़ लगती थी, जाम हो जाता था, अब वो नहीं हो सकेगा क्योंकि अब जो है वो पूरा कंस्ट्रक्शन का जो है काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। और एक्सपेक्टेशन की जा रही 2021 से जो है टू वे पुल भी चलने लगेगा, यानी कि रनिंग में होने लगेगा। और मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ छकरकटी बस स्टेशन का, जो कि बहुत ही अच्छा है और काफ़ी बेस्ट है। यहाँ पे आपको जो है बैठने की भी सुविधा मिल जाती है, खाने पीने की भी सुविधा मिल जाती है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है छकरकटी कानपुर में स्वच्छ भारत अभियान भी चल रहा है, यानी कि अगर हम बात करें स्वच्छता के मामले में तो स्वच्छता के मामले में भी ये हमारा ये छकरकटी बस स्टेशन काफ़ी बेस्ट है। और यहाँ पे कार्यालय भी है, पूछताछ का भी है, खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था है, मोबाइल की एसेसरीज भी मिलती है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आप को प्लेटफॉर्म के अनुसार जो है यहाँ पे बसें खड़ी मिल जाएंगी, मतलब एक पीछे गेट बना हुआ है और एक फ्रंट में भी गेट बना हुआ है। और यहाँ पे फतेहपुर, बिंदगी, चौटगरा, लखनऊ, हर प्रकार की जो है यहाँ पे बसें आपको मिल जाएंगी, मतलब जिस रूट में आप जाना चाहे उस रूट से यहाँ से बड़ी आसानी से आ सकते हैं और बड़ी आसानी से जा भी सकते हैं। और ये कानपुर महानगर का सबसे बड़ा बस स्टेशन है, यानी कि जो कानपुर नगर का अगर बस स्टेशन की बात की जाए तो कानपुर नगर में सबसे बड़े बस स्टेशन को मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये काफ़ी पुराना है और विश्वसनीय है। और यहाँ पे जो है बसों का प्रॉपर मेंटेनेंस भी रखा जाता है, यानी कि मेंटेनेंस की अगर बात करें तो मेंटेनेंस भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे मार्केट भी अवेलेबल है, यानी कि आप मार्केट से आप कुछ भी परचेसिंग भी कर सकते हैं, चाहे वो स्वेटर हो, चाहे वो शर्ट हो, शूज़ हो, आपकी ज़रूरत की जो बेसिक ज़रूरतों का जो सामान होता है वो भी आप यहाँ पे बड़ी आसानी से परचेस कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस बस स्टेशन के बारे में अगर हम बताएं तो यहाँ पे पानी पीने की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ फ्रेंड्स पानी पीने की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। और यहाँ पे यातायात के लिए ग्रामीण की भी, मतलब बसें जो है उत्तर प्रदेश से परिवहन जो है ग्रामीण की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये नहीं कि आपको शहर की फैसिलिटी प्रोवाइड करे, यहाँ पे गांव के क्षेत्रों की भी बसें यहाँ पे अवेलेबल मिलती हैं। और जो भी बस आती है या जाती है उसका अनाउंसमेंट ऑफिशियली तरीके से स्पीकर पे किया जाता है, जिससे लोगों को जो है पूर्ण रूप से जानकारी मिल सके। तो ये इस बस स्टेशन की सबसे अच्छी नायाबी और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे लोगों को पूरी जानकारी मिल पाती है।
और यहाँ पे मोबाइल्स के ब्लूटूथ की भी फैसिलिटी पूरी है। मतलब लोग अगर ब्लूटूथ लेना चाहे, स्पीकर लेना चाहे, फ़ोन एक्सेसरीज लेना चाहे, तो उसकी भी पूरी यहाँ पे जो है मार्केट अवेलेबल है। और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मार्केट लगी है, यानी कि जो यहाँ पे तो शॉप्स लगी हुई हैं उसकी भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको कपड़ों की भी मिल जाती है। मतलब यहाँ पे कपड़ों की भी मार्केट अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक जो कानपुर जगरगढ़ी बस स्टेशन यानी जो कानपुर का सबसे बड़ा बस स्टेशन है उसको नायाब तरीके से बहुत ही गुनिंदा बनाती है और बेस्ट बनाती है। और अगर हम बात करते हैं कि लोगों के बैठने की व्यवस्था की अगर हम बारे में बात करें, लोगों की बैठने की व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी है यहाँ पे, और साफ सफाई का पूरा पर बंदोबस्त है। और बहुत सारे लोग एडवर्टाइजिंग के लिए यहाँ पे नंबर भी देते हैं, और मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट के लिए नंबर भी मिला हुआ है। और यहाँ पे एसी और विदाउट एसी दोनों प्रकार की जो है बस अवेलेबल है, यानी कि जो लोग एसी में सफ़र करना चाहते हैं वो लोग एसी में करें, और जो लोग नॉन एसी में करना चाहते हैं वो लोग नॉन एसी में करें। तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आप इस में आप सफ़र करना चाहते हैं, यहाँ पे हर प्रकार की जो है फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। ये कानपुर का जो बस स्टेशन है काफ़ी नायाब तरीके से खूबसूरत बना हुआ है, और यहाँ का जो दृश्य है वो काफ़ी चुनिंदा और बेस्ट लगता है। और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में लोग को गाड़ी खड़ी करने की भी काफ़ी अच्छी सर्विस दे रखी है, यानी कि गाड़ी भी बहुत अच्छी प्रकार से जो है लोग खड़ी कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी के तौर पे कैमरे भी लगे हुए हैं, जहाँ पे जो लोग अगर कोई वारदात होती है या कोई बात होती है तो कैमरों से भी आप यहाँ पे जो है पता लगा सकते हैं। मतलब जो सिक्योरिटी है वो पता लगा सकती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि 60 वोंडा, मतलब हर प्रकार का जो है यहाँ पे एसी प्लेटफॉर्म है। मतलब यहाँ पे कौन कौन सी बेसिक खड़ी होंगी और बसेस खड़ी होंगी उसकी भी यहाँ पे हाँ पूरी जानकारी दे रखी है, और बस का टाइमिंग वगैरह सारी चीज़ें जो है जानकारी जो होनी चाहिए वो सारी जानकारी यहाँ पे अवेलेबल है। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें।